मैं मनीष सिसोदिया चुनावा मंत्री, चुनावा विधायक, मंत्री के रूप में सरकार में काम कर रहा हूं, एक सरकारी घर में रह रहा हूं। उसी घर में रहने पे अगर हमारा अफसर आएगा तो वो पूछेगा जी नागरिकता का वो दो, मैं कहूंगा पासपोर्ट, वो कहेगा नहीं ये नहीं चलेगा, मैं कहूंगा वोटर कार्ड, वो कहेगा ये भी नहीं चलेगा क्योंकि वोटर कार्ड से कोई लोग काटना चाहते हैं मेरा नाम, किसी का नाम, किसी का भी काटना चाहते हैं, काटने के लिए कर रहे हैं वोटर कार्ड से। फिर मैं कहूंगा भाई मेरे पास आधार कार्ड है, कहेंगे नहीं नहीं ये भी नहीं चलेगा। गृह मंत्री जी कह रहे मैं दलित हूं, राजेंद्र भाई बड़े उससे कह रहे थे मैं इनके हिसाब से इनकी जातियों में मिसफिट होता हूं, मैं इनके धर्म में मिसफिट होता हूं, मैं इनके क्षेत्र में मिसफिट होता हूं, मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, मेरा नाम करवा देंगे अपने अफसरों को कहकर भेजेंगे। क्योंकि कानून उस अधिकारी को अधिकार देता है ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस पर्टिकुलर ऑफ सच इंडिविजुअल्स हुज सिटीजनशिप इज डाउटफुल शैल बी एंटर्ड बाय द लोकल रजिस्ट्रार विद एप्रोप्रिएट रिमार्क इन द पॉपुलेशन रजिस्टर। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को बचपन से ही देशभक्त मानता आया हूं और मुझे लगता है कि इस देश के लिए तन मन धन कुर्बान करना, हमेशा अपनी मेहनत खून पसीना एक करके देश के लिए काम करना, वो चाहे नौकरी करो या कोई काम करो, राजनीति करो, हमारी देशभक्ति वही है। मैं तन मन धन से हिंदुस्तानी हूं और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं 134 करोड़ हिंदुस्तानियों में से एक हूं, इस बात पर मुझे बहुत फख्र है। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो जनगणना आई थी 124 करोड़ की, मुझे फख्र हुआ कि मैं 124 करोड़ हिंदुस्तानियों में से एक हूं, इस 124 करोड़ में एक नाम मेरा भी है। जब अभी पॉपुलेशन मीटर देख रहा था मैं, अब 134 करोड़ हो गए हैं, तो मुझे देख के लगा कि अब हम, मैं वो हिंदुस्तानी हूं, जब 134 करोड़ की संख्या आती है तो 134 करोड़ में से एक मैं हूं। जब मैं कहता हूं मैं 134 करोड़ में से एक हिंदुस्तानी हूं तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक बटा 134 करोड़ हिंदुस्तान हूं, मैं हूं हिंदुस्तान, मैं एक बटा 134 करोड़ हिंदुस्तान हूं। जब पॉपुलेशन रजिस्टर में अपना पॉपुलेशन की जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो हम सब लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं भाई हमारा भी नाम लिखो इसमें, हमारी भी गिनती शामिल करो, मैं भी एक हूं उसमें से। और इस देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती रही है और हर हिंदुस्तानी बड़े फख्र के साथ, कोऑपरेशन के साथ, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहता रहा भैया मैं भी उन 124 करोड़ में से एक हूं, 134 करोड़ में से एक हूं, मेरा भी नाम लिख लो इसमें, मेरी पत्नी का नाम भी लिख लो, मेरे बेटे का नाम भी लिख लो, मेरे पिताजी का नाम भी लिख लो, हम सब बड़े गर्व के साथ कहते रहे हैं। मैं सोच रहा था जनगणना होगी तो मैं भी बताऊंगा, मेरे घर में आएंगे जनगणना वाले, मैं भी बताऊंगा भाई मेरा नाम मनीष सिसोदिया, मैं हिंदुस्तानी, मेरा नाम लिखो जनगणना में, मेरी वाइफ इसका नाम लिखो, मेरा बेटा इसका भी नाम लिखो जनगणना में, बड़ा फख्र होगा। अब सरकार कह रही है साहब जनगणना तो करेंगे ही करेंगे, नागरिकता रजिस्टर भी बनाएंगे जनगणना के साथ साथ, एनपीआर भी बनाएंगे, मतलब नागरिकों का रजिस्टर भी भरेंगे। मतलब जनगणना तो 134 करोड़ की लिख देंगे भाई, यहां 100 यहां 200 इस तरह से करके 134 करोड़ हो गए, लेकिन साथ साथ हर नागरिक का नागरिकता रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा। प्राइम ऑफ ऐसे मुझे भी लगा यार अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगेगा मेरा रजिस्ट्रेशन में कहीं किसी रजिस्टर में नाम लिखा होगा, मनीष सिसोदिया सन ऑफ धर्मपाल सिंह सिसोदिया, अच्छा लगेगा देख के, अच्छे फख्र की बात थी। लेकिन प्रॉब्लम उसकी प्रोसेस पे हुई, प्रॉब्लम उसकी प्रोसेस पे इसलिए हुई कि मैं जिस नागरिकता रजिस्टर में अपना नाम लिखा हुआ देख के खुश होना चाहता हूं, उस रजिस्टर के बारे में कहा गया कि साहब इसमें आपका नाम तभी लिखा जाएगा जब आप नागरिक हो गए। अब मैं बड़ा फख्र से कहता हूं मैं एक बटा 134 करोड़ हिंदुस्तान हूं, लेकिन अगर मुझे यह पता चले कि तुम्हारा नाम उस रजिस्टर में तब लिखा जाएगा जब तुम प्रूव करोगे कि तुम हिंदुस्तानी हो, तो मैंने एक्ट देखा, पढ़ा लिखा आदमी हूं, थोड़ा कानून वानून समझता हूं, ये एक्ट देखा भाई एनपीआर क्या कहता है नागरिकता में, बड़ा शोर मच रहा था, मैंने भी पढ़ा, तो इसका सेक्शन 3 एनपीआर का कहता है जो नागरिकता रजिस्टर बनेगा कि साहब कोई भी आदमी बाय बर्थ हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है, बशर्ते कंडीशन है उसमें कई, मैं डिकोड करके लिख रहा हूं, कानूनी भाषा नहीं पढ़ रहा हूं, 26 जनवरी 1950 से पहले
26 जनवरी 1950 से 1987 के बाद से 1987 से पहले जन्म हो, मतलब 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में जन्म हो, तो 22 बर्थ सर्टिफिकेट उसका चलेगा। 1987 से 2003 के बीच अगर वो पैदा हुआ हो तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं, जन्म प्रमाण पत्र और अपने एक पेरेंट का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और 2003 के बाद अगर वो जन्मा हो तो उसका अपना जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, अपने दोनों पेरेंट्स का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर एक का पेरेंट, एक पेरेंट का जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे जन्म के समय मेरे दूसरा जो पेरेंट थे वो इलीगली इंडिया में नहीं रह रहे थे। कानून है, मैंने कानून को थोड़ा सा डिकोड करके समझाने की कोशिश की है। अब जब मैं सोच रहा था कि हो सकता है सेक्शन 3 का अफसर आएगा कोई मेरे पास में, वो कहेगा भाई तुम्हारा नाम नागरिकता रजिस्टर में लिखना है, आप बताओ आप नागरिक हो कि नहीं हो, मैं कहूंगा हाँ जी 1972 में पैदा हुआ मैं भारत का नागरिक हूं, वो कहेगा भाई कुछ बताओ कैसे लिखे आप भारत के नागरिक हो, तो मैंने सोचा उसको मैं पासपोर्ट दिखा दूंगा, मैंने सोचा मैं अपना कोई एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, मैंने सोचा मैं उसको अपना वोटर कार्ड दिखा दूंगा, मैंने सोचा उसको और कोई कार्ड होगा मेरे पास में आधार कार्ड है वो दिखा दूंगा, पैन कार्ड दिखा दूंगा। लेकिन तभी मुझे देश के गृहमंत्री जी का इंटरव्यू सुनाई दिया, बोले समझ लीजिए वोटर कार्ड इसमें नहीं चलेगा, पासपोर्ट इसमें नहीं चलेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड इसमें नहीं चलेगा, इसमें तो जन्म प्रमाण पत्र चलेगा। अब जब मैंने ये सोचा कि यार जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, मेरा पासपोर्ट के देख के नागरिकता नहीं लिखी जाएगी उसमें कि तुम नागरिक हो कि नहीं हो, मैं मनीष सिसोदिया चुनावा मंत्री, चुनाव हुआ विधायक, मंत्री के रूप में सरकार में काम कर रहा हूं, एक सरकारी घर में रह रहा हूं, उसी घर में रहने पे अगर हमारा अफसर आएगा और वो कहेगा सिसोदिया जी नागरिकता का रजिस्टर भरना है, अपना नाम बताओ, बीवी का नाम बताओ, बच्चे का नाम बताओ और आगे बताओ कैसे नागरिक हो हमें ये बताओ, तो वो पूछेगा जी नागरिकता का वो दो, मैं कहूंगा पासपोर्ट, वो कहेगा नहीं ये नहीं चलेगा, मैं कहूंगा वोटर कार्ड, वो कहेगा ये भी नहीं चलेगा क्योंकि वोटर कार्ड से तो लोग काटना चाहते हैं मेरा नाम, किसी का नाम, किसी का भी काटना चाहते हैं, काटने के लिए कर रहे हैं वोटर कार्ड से। फिर मैं कहूंगा भाई मेरे पास आधार कार्ड है, कहेंगे नहीं नहीं ये भी नहीं चलेगा, गृहमंत्री जी कह गए। तो अब मैंने कहा उसके बाद क्या होगा फिर मेरा, अब उसके बाद सर इस कानून में जो लिखा हुआ है उसको देख के तो मैं डर गया। मैं यहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो भी डर रहे हैं और मैं भी डर रहा हूं। इस कानून में लिखा हुआ है कोई रामलीला मैदान में क्या बोल दे, कोई यहां चुनावी रैली में क्या बोल दे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इस कानून की बात कर रहा हूं। इस कानून में लिखा हुआ है पॉपुलेशन रजिस्टर मींस द रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पर्संस यूजुअली रिजाइडिंग इन दैट एरिया, विलेज कस्बा वगैरह वगैरह। उसके बाद ये कानून कहता है कि जो रजिस्टर बनेगा, पॉपुलेशन रजिस्टर शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन इन द लोकल रजिस्टर और द इंडियन द पर्टिकुलर्स collected of every family and individual in the population register shall be verified and scrutinized by the local register. अब ये कह रहे हैं जी पहले 14 पॉइंट थे, अब हमने 9 पॉइंट और पूछे आपसे, चलो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, फादर कहां से आए थे, मैं बताऊंगा जी उत्तर प्रदेश में पिलखुआ एक कस्बा है, उसके पास एक गांव है फगोता, वहां से मेरे पिताजी थे। वो कहेंगे अच्छा वो तो सारा ठीक है पर वेरीफाई कराओ क्योंकि कानून में लिखा हुआ है वेरीफाई कराओ। अब मैं क्या वेरीफाई कराऊंगा, पासपोर्ट तुम मानो नहीं, वोटर कार्ड तुम मानो नहीं, आधार कार्ड तुम मानो नहीं, पैन कार्ड तुम मानो नहीं, मेरे पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट तुम मानो नहीं, मैं किसी स्कूल से पढ़ाऊं, किसी कॉलेज से पढ़ाऊं दिल्ली के देश के, आप मानो नहीं, फिर मैं कैसे वेरीफाई करूंगा मैं नागरिक हूं, क्योंकि कानून उस अधिकारी को अधिकार देता है। आगे ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस पर्टिकुलर ऑफ सच इंडिविजुअल्स हूज सिटीजनशिप इज डाउटफुल शैल बी एंटर्ड बाय द लोकल रजिस्ट्रार विद एप्रोप्रिएट रिमार्क इन द पॉपुलेशन रजिस्टर। पॉपुलेशन रजिस्टर में वो अधिकारी कहेगा भाई साहब ये सारे कागज तो आपके नहीं चलेंगे, ना वोटर कार्ड चलेगा क्योंकि वोटर कार्ड से तो नाम ही कटवाना इनको, क्योंकि मैं इनकी पार्टी का नहीं हूं, इनका मन करेगा नाम कटवा देंगे मेरा, मैं दलित हूं ना, राजेंद्र भाई बड़े उससे कह रहे थे मैं इनके हिसाब से इनकी जातियों में मिसफिट होता हूं, मैं इनके धर्म में मिसफिट होता हूं, मैं इनके क्षेत्र में मिसफिट होता हूं, मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, मेरा नाम कटवा देंगे अपने अफसर को कहकर भेजेंगे। वो कहेगा जी अब दिखाओ कागज, अब मैं कागज क्या दिखाऊं उसको, मेरे पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जी। अब जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है,
जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, जन्म प्रमाण पत्र तो जन्म प्रमाण पत्र होता है जी, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त बनता है, क्योंकि कह रहे हैं पासपोर्ट तो नहीं चलेगा, वोटर कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, अमित शाह जी ने कहा है। फिर क्या होगा, फिर अधिकारी को इस कानून में अधिकार मिला हुआ है, सेक्शन 4(4) में लिखा हुआ है, वो मेरे नाम के आगे लिख देगा डाउटफुल, और उसके बाद में किसी दिन मुझे भी बांग्लादेशी घोषित कर देंगे, कहेंगे तुम्हारा नाम मनीष सिसोदिया ही नहीं, तुम्हारे फादर का नाम धर्मपाल सिंह सिसोदिया, हम कैसे मान लें, तुम पलखवा से आए थे, हम कैसे मान लें, डाउटफुल हो, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, पासपोर्ट कौन मानेगा। फिर मैं क्या करूंगा जी, फिर मुझे असम में डिटेंशन सेंटर भेजेंगे, इसलिए मैं डरा हुआ हूं, इसलिए जिन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिल्ली के लोगों को, वो डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि कल को आप वोटर कार्ड से ही नहीं, मेरे घर से भी मेरा पत्ता कटवा दोगे, मेरी गली मोहल्ले से भी मेरा पत्ता कटवा दोगे, आपकी इंटेंशन वोटर कार्ड से नाम पाने की नहीं है, आपकी इंटेंशन उससे ज्यादा कहीं खतरनाक है, आप नहीं चाहते हैं कि जो दलित अपनी मेहनत करके बिहार के किसी गांव से, उत्तर प्रदेश के किसी गांव से आके आज दिल्ली में अपनी जगह बना रहा है, उसको कॉन्फिडेंस मिल सके कि वो मेहनत करके आपके बराबरी पर आके खड़ा हो जाए, आप नहीं चाहते हैं कि किसी अनपढ़ परिवार का किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी सामान्य दुकानदार का बेटा, उसकी बेटी अगर दिल्ली में आके मेहनत कर रही है और कहीं उसने जगह बना ली है, आपको प्रॉब्लम है फंडामेंटली उससे, आप सामंतवादी सोच के साथ ये कर रहे हैं, आपकी साजिशें हैं इसमें, और उस साजिश का मैं किसी भाषण पर नहीं जा रहा, मैं तो कानून पर जा रहा हूं, कानून एम्पावर कर रहा है उस अफसर को जो मेरे घर आएगा और मैं उससे पूछेगा मनीष सिसोदिया जी बताओ नाम क्या है, मैं कहूंगा मनीष सिसोदिया, बोलेगा कागज दिखाओ, दिखाओ सर्टिफिकेट, मैं कहूंगा जी पासपोर्ट देख लो, होगा पासपोर्ट नहीं मानूंगा, वो कहेगा वोटर कार्ड नहीं मानूंगा, वोटर कार्ड से तो नाम ही काटना है तुम्हारा, इस चक्कर में तो तुम्हारा सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, वो कहेगा जन्म प्रमाण पत्र, अब 1972 का जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं है जी मेरे, तो कहेगा पिताजी का, तो पिताजी का भी नहीं है जी मेरे पास, तो नहीं है जी, अब मेरा नाम इस वोटर लिस्ट से कटेगा कि नहीं कटेगा, मैं तो इसको लेकर शंकित हूं, मैं तो इस बात को लेकर डरा हुआ हूं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का, जो गोपाल राज जी का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुए, राज्यपाल गौतम जी ने बड़ी अच्छी बात क्योंकि गरीबी की कही, कैसे पुराने जमाने में मेरे पिताजी के दौर में भी हमारे घर में भी मुझे याद है छप्पर में रखी जाती थी सारी चीजें गांव में, और वो कैसे जलती थी और कैसे बारिशों में भीगती थी, जब ये बात कर रहे थे तो उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने एक कविता भेजी किसी ने, मेरे एक दोस्त ने कुछ लाइनें भेजी, मैं समझता हूँ उसको पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा, कहां से लाऊं वो कागज, कहां से लाऊं वो कागज जो बाढ़ के पानी में बह गए, जो झुग्गे की आंख आग में जल गए, जो कपड़ों समेत चूहे कुतर गए, मेरी पहचान मेरी गरीबी है, जो किसी कागज की पहेली, जो किसी कागज पे उतरी ही नहीं, कहां से लाऊं वो पहचान जो किसी कागज पे उतरी ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।